नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण पर अंतहीन तकरार जारी है। पिछले दो महीने से आरक्षण बिल राजभवन में अटका हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पहले ही इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। अब हाईकोर्ट ने भी राजभवन को नोटिस भेज दिया है, जिस पर राजभवन सचिवालय ने कहा है कि कोर्ट को राज्यपाल को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में कब थमेगा आरक्षण पर विवाद। आरक्षण को लेकर संवैधानिक संस्थाओं में आखिर यह टकराव क्यों बना हुआ है? चुनाव तक आरक्षण के मुद्दे को गर्म रखने की क्या कोशिश हो रही है? और एक मंच पर आकर समाधान निकालने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे एक खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। क्वांटिफाइबल डाटा आज भी इस विषय पे सरकार मौन है। मतलब राज्यपाल को वही काम करवा रहे हैं जो रमन सिंह बोल रहे हैं। सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि हर बार आरक्षण के लिए कोर्ट में जाने वाले लोग कांग्रेसी रहे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण अटका हुआ है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो कभी सत्ताधारी दल कांग्रेस और राजभवन में टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं अब हाईकोर्ट बनाम राजभवन की स्थिति भी दिख रही है। दरअसल आरक्षण बिल को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजभवन को नोटिस भेजकर दो हफ्ते में जवाब मांगा। इस पर राजभवन सचिवालय ने कहा कि कोर्ट को राज्यपाल को नोटिस भेजने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। उधर आरक्षण के मसले को लेकर एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। जहां समेत पूरा मौका मिला था वो भी बोले, इस बात को क्यों नहीं, इसका उल्लेख क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं किया, वहां समर्थन किए और बाद में लागू नहीं होने दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़े वर्ग विरोधी है, गरीब ईडब्ल्यूएस के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बीच भाग जाते हैं। हर सत्र में यही हो रहा है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा है, ये सुनिए। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया, जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और हाईकोर्ट का ही फैसला था 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट ने 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पिछले दो महीने से राजभवन में राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा इन दो महीने में सुलझने के बजाय सियासी और कानूनी तौर पर और पेचीदा होता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो आरक्षण को लेकर के सियासी रार अभी तक छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इतने लंबे समय तक खींचना, क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा भी है? जरा इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आज के खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और संविधान विशेषज्ञ अश्वनी दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से एक एक रिएक्शन मैं ले लेता हूँ, लेकिन अश्वनी दुबे जी सबसे पहले रिएक्शन आपसे। ये माना जा रहा है, और आज एक नया तरीके का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि राज्यपाल महोदय की तरफ से दो महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। लेकिन ऐसे में जब नोटिस भेजा जाता है तो कहा ही जाता है कि कोर्ट संविधान के दायरे में रहकर के राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकते हैं। अब इसमें संविधान क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारत निश्चित तौर पर भारत के संविधान के मुताबिक जो गवर्नर और प्रेसिडेंट है उनके पास इम्यूनिटी होती है, उनको कोर्ट्स जो है मैंडमस रिट ऑफ मैंडमस ना तो आर्टिकल 32 और 226 में इशू नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस के संविधान पीठ ने भी रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट किया था, उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी न्यायालय के प्रति नहीं है।
इसलिए ऐसी समस्थितियों में, क्योंकि राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। आप तमाम चीजों को देखेंगे जो भारतीय संविधान का भाग 6 है उसमें देश के संघीय ढांचे का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्यों से संबंधित है उसमें अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में राज्यपाल होगा और राज्यपाल को जो पावर्स होंगे वो पावर्स कोर्ट उसको इंडेमनीफाई नहीं कर सकता है, कोर्ट उसमें रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं कर सकता है। ये बड़ा हुआ। हाँ, अब रही बात जिस मुद्दे को लेकर के नोटिस जारी किया, अब यह भी समझना पड़ेगा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास असीमित समय के लिए अगर रखते हैं तो वो भी उनके अधिकारों का इनडायरेक्ट दुरुपयोग होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, परंतु जुडिशियल प्रेसिडेंट बड़ा क्लियर है। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें यहां पर स्पष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन जरा जल्दी से एक एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं इसमें, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं नितिन बंसाली जी। और ये कहा जा रहा है और बार बार स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है कि राजभवन में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी हैं और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इसको लेकर के सवाल उठा दिया गया। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि राजभवन की तरफ से अभी तक आरक्षण मसले पर हस्ताक्षर ना करना ये बीजेपी की साजिश है या बीजेपी की चाल है? देखिए, राजभवन को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है क्योंकि संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। आरक्षण जब इनका लंगड़ा आरक्षण का विधेयक जब हाईकोर्ट में ध्वस्त हुआ तब गवर्नर मैडम ने ही मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधेयक पास करिए, भेजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। विधि संबद्ध विधानसभा में विधेयक लाया गया, चर्चा हुई, ऐसा भी नहीं कि किसी का माइक बंद कर दिया। रात तक 11 बजे तक चर्चा हुई सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक भी शामिल थे, सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित करके इसे गवर्नर हाउस महामहिम राज्यपाल महोदया जी के पास भेजा गया। अब नियम यह कहता है कि यदि उसमें कोई कम ज्यादा हो या उसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो राजभवन से राज्यपाल महोदया उसमें क्वेरी लगाकर उस विधेयक को वापस कर दे। पर यहाँ पर हुआ ऐसा कि विधेयक पास विधानसभा से हुआ, सवाल जो है वो विभागों से पूछे गए। तो क्या विभाग जो होते हैं प्रदेश के वो विधानसभा से बड़े हो गए? चलिए ठीक है। इसके बाद भी हर धर्मिता रही, महामहिम राज्यपाल महोदया ने जिद की तो हमने 10 विभागों से जो इन्होंने जवाब मांगे थे वो भी शासन ने जवाब इनको भेज दिए। तो अब तो नैतिकता के आधार पर इनको उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। ये बात जो ये है कि भाई कोर्ट में जाएगा, ये होगा, ये जो बार बार अभी पब्लिक डोमेन में जो बयान सामने आ रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे कोई भी नेता हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हो या डॉक्टर रमन सिंह हो, वो बार बार ही कह रहे हैं कि जब कोर्ट के समक्ष ही 56% को सवाल उस पर खड़े कर दिए जाते हैं तो जब ये आंकड़ा बढ़ा देते हैं तो क्यों नहीं उस पर सवाल उठेंगे। तो आप इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए तो उसके बाद आप वापस राजभवन के पास भेजिए। इन्होंने ठीक किया था क्या? हाँ। ये जो इन्होंने 56 किया तब इन्होंने ठीक किया था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, 56 था या 58 था? 56 था। 56 जब किया था इन्होंने ठीक किया था क्या? कि हमने तो देखो जो गलतियां इन्होंने की थी बिल्कुल हमने सुधार किया। मोहन भागवत इनके आरएसएस के जो प्रमुख है वो तो बोलते पूरे देश से आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। हम लड़ तो रहे, हमें न्यायालय पे भरोसा है। महामहिम राज्यपाल महोदया से आपके टीवी डिबेट के माध्यम से मैं आज जुड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि नैतिकता के आधार पर प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य इस आरक्षण की वजह से जो है बर्बाद हो रहा है। प्रमोशन है, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में जो आरक्षण का लाभ जिन आरक्षण लाभार्थियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और भाजपा को नैतिकता के आधार पर, विमल चोपड़ा जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं नैतिकता के आधार पर इनसे भी निवेदन करूंगा और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनकी पूरी पार्टी से, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा थोड़ी की नैतिकता। ठीक है, जरा डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को उससे उनसे भी जरा जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे सवाल भी उठा दिए हैं लेकिन चोपड़ा साहब जरा ये तो बताइए कि बार बार जो आरोप लगते हैं कि राजभवन के पीछे बीजेपी के नेता हैं और उनके कहने पर ही राजभवन से कोई भी आदेश पारित होता है, इस बात को लेकर के क्या आपको कोई आपत्ति है या वाकई इसके पीछे कोई तथ्य है? दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि आप जो है सदन के भीतर जब पटल पर ये विधेयक रखा गया था उस वक्त आपने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही सदन के बाद ये विधानसभा की तरफ से जब पारित हो जाता है तब आप सड़क पर आकर के हंगामा करने लगते हैं, राजभवन में जाकर के कहने लगते हैं कि इसमें जो है तथ्य नहीं है, क्वांटिफाइबल डाटा इसमें पेश नहीं किया गया और दूसरी चीजें नहीं है। तो ये कितना सही है? सदन में मौका था ना आपके पास, आप सवाल उठाते वहां पर। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रहे कि वह आरक्षण दे।
आप ये जानिए कि चार साल से इसको लेकर के कोर्ट में कांग्रेस की सरकार लड़ाई लड़ रही थी। चार साल के समय में ये अपने सारे डाटा सारे तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए और कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। अब यहां हाई कोर्ट में खाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील कौन है थोड़ा सा पूछेंगे आप कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस के बड़े भारी नेता अभिषेक मनु सिंघवी जिनको लाखों रुपए की फीस जो है ये सरकार दे रही कि आप सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रकरण लड़िए आरक्षण को लेकर के। और आज 3 महीने से ऊपर का समय हो गया अभिषेक मनु सिंघवी उसका जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। लाखों रुपए की फीस तो इन्होंने जेब में डाल ली लेकिन आज तक वो जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं कि इसका जवाब मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। विमल जी सुनिए, एक लाइन में एक सवाल सुन लीजिए। ये 56% का आरक्षण आपकी सरकार ने दिया था ना, उसको चैलेंज किया गया ना कोर्ट में और कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया, यानी कि गलतियां आपसे भी हुई हैं, इस बात को स्वीकार तो कीजिए ना। नहीं, सुनिए ऐसा है कि ये 4 साल तक कांग्रेस की सरकार है। हमने यदि 56% दिया तो हमारी मंशा थी कि इस क्षेत्र के आदिवासी थोड़ा सा चुप रहो भाई, थोड़ा सा। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो एक आदत हो गई ना बीच बीच में बोलने के, समय अपना ले लेते हैं लेकिन बीच में टांग अड़ाने। ठीक है, बताइए थोड़ा सा शांति से रहें, आपका समय आएगा जवाब दे देना। ठीक है बताइए। तो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो जा रहे हैं कोर्ट में, और कौन है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि अभिषेक मनु सिंघवी कौन है। ठीक है, हमने दिया 56% आरक्षण, हमने दिया, हमारी मंशा थी कि आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब कोर्ट में लड़ने की बारी 4 साल से कौन कर रहे थे, कांग्रेस के लोग कर रहे थे, कौन ही जवाब प्रस्तुत किया। कभी कहते हैं अरे भाई थोड़ा सा चुप तो रहोगे, है ना, आएगा लिख लो जवाब क्या देना है वो जवाब दे देना, लेकिन जवाब देंगे इसलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं। अभी जो है नितिन मंत्रालय के बोल रहे थे, बाकी बातें जो है मैं नहीं बोलना चाहता। क्या आप जो बोल रहे थे हाथ जोड़ करके राज्यपाल जी से निवेदन है, आप पूछिए इनसे एक भी बार मुख्यमंत्री जो है राजभवन गए कि राज्यपाल जी से हाथ जोड़ बोलना पड़ जाए भाई साहब करके भाई। अरे आप क्या चाहते हैं कि पहले राज्यपाल के समक्ष जाकर के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके निवेदन करें तब हस्ताक्षर कर देंगे? नहीं, सुनिए, आप अपमानित करने के लिए राज्यपाल को ये छोटे छोटे मंत्रियों को भेजते हैं, जाइए निवेदन कीजिए। क्या राज्यपाल के पास जाने का एक भी बार जो है कभी मुख्यमंत्री गए और ये मुख्यमंत्री जाकर के बोलते हैं सर कि भाई ये आरक्षण तो आप भी दिलाना चाहते हैं ना? विमल चोपड़ा जी मेरी बात सुनिए जरा, आरक्षण तो आप भी दिलाना चाहते हैं ना, तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं जाते हैं राजभवन? जाइए आप भी। एक मिनट सुन लीजिए, आप ये बताइए कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा राजनीति कर रही है, एक तो तथ्य प्रस्तुत कर दे कि भाजपा के किसी नेता ने जाकर राज्यपाल को कहा या राज्यपाल जी को चिट्ठी लेके, और आज जो मुद्दा है कि कोर्ट ने नोटिस दिया करके आप लोग क्यों चुप बैठे हैं और फल तो नोटिस की बात करिए। आइए ऐसे बहस नहीं होती, बहस नहीं होती, बात करिए और कहिए गवर्नर मैडम के सिचुएशन पर राजभवन को राजनीति का पाला मत बनाइए। अरे सुन लो भैया, मैं वापस बैठ चल दूंगा, आप यदि इस प्रकार बोलेंगे तो मैं बात में नहीं कर सकता, आप हाथ जोड़ के मैं वापस चल दूंगा, आपकी बात आएगी आप बोलना, लेकिन बीच में बोलने की टांगड़ा आपको बता रहा हूँ। एक विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री तो आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं उसके बाद राजेश अग्रवाल जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन विमल जी जरा सुन तो लीजिए, एक बार सुनिए जरा, बड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए। आपने सदन के भीतर कोई सवाल नहीं उठाया, आपने तुरंत सहमति जताई इस विधेयक पर, लेकिन जब राजभवन में ये प्रस्ताव जाता है तब आप एक बार भी गए क्या? आपने वहां जाकर के आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, क्या बीजेपी के नेता पहुंचे वहां पर? सुनिए, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्या मुख्यमंत्री जाकर के कभी बात की है?
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया। अगर मुख्यमंत्री चले जाएंगे तब हस्ताक्षर हो जाएंगे क्या? क्वांटिफाइबल डाटा। अगर मुख्यमंत्री राजभवन में चले जाएंगे उसके बाद क्या राजभवन से हस्ताक्षर हो जाएंगे? मुख्यमंत्री जी गवर्नर एक बार पहले कांग्रेस के प्रवक्ता माइक बंद कीजिए। कोई मछली बाजार नहीं बनेगा सर, ये न्यूज स्टेट का मंच है, यहाँ पर किसी को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर सभी को बारी बारी से मौका मिलेगा। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ, बहुत समय आपको भी दिया सर। ठीक है, राजेश अग्रवाल जी को भी जरा सुन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका इस पर असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, जरा वो भी जान लेते हैं। राजेश जी, अब इसमें नहीं मैं वापस लौटता हूँ ना सर, आपको पूरा मौका दिया है आपने, तब से मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीच बीच में बोलते रहेंगे और आप बोलने नहीं देंगे, जवाब नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सर, ये गलत आरोप है सर। अगर आपको चाहिए आप एक बार टाइम भी देख लीजिएगा, कि कांग्रेस के प्रवक्ता को कितना समय दिया और आपको कितना समय दिया है, आपको इसलिए बयान देने का, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया मैंने। तो आप सुनिए मैं जब बोल, अगर आपको अभी भी इतना समय मिलने के बाद आपको लगता है कि आपकी बात अधूरी रह गई है, आपको और समय दे रहा हूं मैं, आप अपनी बात रखिए। तो मैं रख रहा हूं, उनको चुप कराइए, अच्छा एक बार सुन लीजिए, अच्छा बंसाली जी एक बार और सुन लीजिए, उनको लग रहा है कि वो शायद पूरी बात नहीं कर पाए, अब बताइए विमल जी, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए। आप काल्पनिक प्रश्न भेज दीजिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मैं बोलता हूँ हस्ताक्षर करेंगे वो। आप प्रॉमिस करिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। नहीं बंसाली जी, एक मिनट जरा सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, एक मिनट। हाँ विमल जी, जरा जल्दी से आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री को अगर भेजते? हाँ आप सुनिए बंसाली जी बोल रहे हैं, उनका माइक बंद कीजिए आप, या तो इस प्रकार की बहस होती है क्या? नहीं आप बताइए ना, बताइए आप बात रखिए ना आप अपनी पूरी। हाँ तो मैं रख रहा हूँ, आप बीच में उनको बोलने देते हैं? नहीं बोलने नहीं दे रहे, मैं उनको रोक रहा हूँ सर। अब आप पूरी बात कीजिए सर। ऐसा होता है ये बहस होती है, मैं ये कह रहा हूँ जाए ना मुख्यमंत्री अभी 26 जनवरी को गए थे, उन्होंने क्यों नहीं चर्चा की कि आरक्षण विधेयक पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए करके? क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यदि कहूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। इस प्रकार की राजनीति जो है वो राज्यपाल को अपने से छोटा बताना चाहते हैं संवैधानिक स्थिति में। इसलिए मेरा कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री तो जाए, वो छोटे छोटे लोगों को भेजते कि जाइए आप राज्यपाल से बात कीजिए, और मुख्यमंत्री स्वयं जा करके कभी बात करने का उन्होंने कि राज्यपाल को समझाने का कभी प्रयास किया? वो अखबार के माध्यम से बोलते हैं जानबूझ करके कि अखबार के माध्यम से सार्वजनिक रूप से राज्यपाल को अपमानित किया जाए, ये काम जो है वो करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपकी बात पूरी हो गई होगी, उन्होंने बात, अब मैं बाकी मेहमान भी है उनका भी रुख कर लेता हूँ, उनकी भी आपत्ति होगी नहीं तो, कि उनको समय नहीं मिला। ठीक है नितिन जी, मैं वापस लौटता हूँ, एक मिनट जरा राजेश अग्रवाल जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। अब यहाँ पर विमल जी ने एक सवाल उठा दिया है कि मुख्यमंत्री को राजभवन में जाना चाहिए, सबसे पहले उनको समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि राज्यपाल को किसी के समझाने की तो कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल अपने आप में एक बहुत सर्वोच्च पद होता है और उस पद पर बैठे हुए किसी भी शख्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका इसमें असेसमेंट क्या है, क्या मुख्यमंत्री को जाकर के जब वो जाएंगे राजभवन तब इसका हल हो जाएगा क्या? बड़ा आसान सा है ये तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो राज्यपाल निर्णय ले रही है उसमें आधार जरूर संवैधानिक बताया जा रहा है, लेकिन यह नहीं कह सकते हम कि ये उनका राजनीतिक फैसला नहीं है। वो संवैधानिक पद पे है और पूरी तरह से संविधान में दिए गए अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, आज भी जब एक उनका बयान आया है कि वो राज्यपाल किसी हाईकोर्ट को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि अगर राज्यपाल के किसी कार्य से या किसी निर्णय से अगर कोई आपत्ति है, अगर वो मामला कोर्ट में जाता भी है तब भी बचाव भी राज्य सरकार को ही करना है, ये भी है उसमें। ठीक है, तो लेकिन एक बात, मुख्यमंत्री जाए या मंत्री जाए, क्योंकि ये सन 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है भवन में एक लंबे समय तक लंबित है, वो भी आरक्षण जैसा प्रस्ताव सब कुछ, तो क्या उस पर कोई भी निर्णय लेना और उसमें देरी करना, उसको लेकर के अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल होगा या सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई प्रस्ताव भेजा गया, सवाल नहीं उठेंगे क्या जो इस वक्त उठ रहे हैं? अश्वनी दुबे जी ने भी यही बात कही है
कि अगर राजभवन में एक लंबे समय आप छोड़ दीजिए ना, सवाल आप रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ सवाल आप कह सकते हैं, मगर बात तो यहाँ संविधान की और कानून की है ना। हाँ। बात तो यहाँ पे कानून है और संविधान है। हाँ। राज्यपाल के पास अधिकार है तब वो ऐसा कर रही है। अगर उसके अधिकारों को चुनौती देना है हाँ। तो आप उसको राजनीतिक तौर पर भी दे रहे हैं हाँ। अदालतों में भी दे रहे हैं, दोनों तरफ से चुनौती तो दे रही है ना कांग्रेस। हाँ। लेकिन ये चुनौती देना तो है। ये कितना सही है, जरा इस पर भी एक रिएक्शन। संविधान के जानकार बैठे हुए हैं नितिन भंसाली जी, ये बड़ा यहाँ पर बात सामने आई है कि बार बार चाहे वो पब्लिक डोमेन में आकर के स्टेटमेंट हो या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना राजभवन के खिलाफ, ये कितना सही आपको लगता है? आपको नहीं लगता कि ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इसको लेकर के सवाल उठाने जैसा होगा? प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए राज्यपाल का कोर्ट का दरवाजा तो क्या दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आरक्षण लाभार्थी प्रदेश में है उनको उनका हक मिले। अब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ रहे हैं और बिल्कुल लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी और लोगों के साथ इस प्रदेश में न्याय होता है, आरक्षण लाभार्थियों के साथ भी सब प्रतिशत न्याय होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना ले, जीत आपकी का मतलब। विमल जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद अश्वनी जी आपके पास आता हूँ। नहीं मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हटाते क्यों नहीं? जवाब दे दे इसका। हमारा विषय है, आपका विषय थोड़ी है। वो फीस ले रहे हैं सरकार से मोटी लाखों रुपए की। मैंने कहा ना जवाब प्रदेश के भविष्य के लिए फीस तो क्या सब कुछ करेंगे। नहीं नहीं जवाब दे देना, आप क्यों नहीं हटा रहे उनको? तीन महीने में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप, ये बताइए। जवाब दे रहे सवाल कर रहे वो कोर्ट और उनके और हमारे बीच का मामला है, इसको आप जानने की कोशिश मत करिए। वो हमारे बीच का मामला बराबर चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है सर, ठीक है। नितिन जी और विमल जी और नितिन जी, एक मिनट जरा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अश्वनी दुबे जी भी। अश्वनी जी से जरा फाइनल, ठीक है फाइनल कमेंट है अश्वनी जी। मैं जरा जल्दी से एक बात समझना चाह रहा हूँ कि विमल जी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रस्ताव है या सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें सवाल ये है कि 76% या 82% आरक्षण को लेकर के कोर्ट जब पहले 56% को नकार चुका है तो आगे इतने बड़े आरक्षण को कैसे मंजूर करेगा? क्या ये आधार सही है? इसी आधार पर विरोध करना कितना सही है? नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो ये सीधा सीधा रिजर्वेशन, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इस बात को आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लाइन फिक्स किया है कि किसी भी परिस्थिति में जो जातिगत आरक्षण वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी सेटल्ड जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की। माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। सभी का बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन ये सियासी खींचतान आरक्षण को लेकर के चल रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।